बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम मलका बरतानिया के बारे में इंतहाई अहम और दिलचस्प मालूमात के बारे में आपको आगाह करेंगे कि जिनके बारे में शायद पहले आप ना जानते हों। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। नाज़रीन, बरतानिया की मौजूदा मलका जो कि मलका एलिजाबेथ दोम के नाम से जानी जाती हैं, का पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी है। ये बरतानिया की मलका 21 अप्रैल 1926 को लंदन में पैदा हुई। नाज़रीन, सन 2015 में इनका शुमार बरतानिया की सबसे लंबे अरसे की बादशाहत करने वालों में हुआ और दुनिया की तारीख में सबसे तवील हुक्मरानी करने वाली खातून भी बन गईं। 6 फरवरी सन 2022 को वो अपनी 70 साला बरतानिया की हुक्मरान होने की प्लाटिनियम जुबली भी मनाएंगी। नाजरीन, मलका बरतानिया इस कदर तवील दौरे हुकूमत की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। दुनिया की मशहूर तरीन खवातीन में उनका शुमार होता है। बरतानिया की मलका होने की वजह से उन्हें बहुत ही मुराद और इख्तियारात हासिल हैं। आज की इस वीडियो में हम सियासी नहीं बल्कि इंतहाई तफरीही और दिलचस्प बातों के बारे में बात करेंगे। नजरीन, नंबर एक पे जो इंतहाई हैरान कन बात है वो है ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। नाजरीन, बरतानिया की मलका एलिजाबेथ बरतानिया में मौजूद वो वाहिद हस्ती है जिनको कानूनी तौर पर बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। लाइसेंस की जरूरत न होने के बावजूद वो एक एक्सपर्ट ड्राइवर भी हैं। मलका के बारे में मशहूर है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान जब वो रजाकाराना तौर पर ख्वातीन की खिदमत के लिए अपनी खिदमात फराहम कर रही थी तब वो एक ट्रक भी चलाती थी और इस ट्रक के जरिए जरूरतमंदों को मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात फराहम की जाती थी। नंबर दो पे है पासपोर्ट सिस्टम। नाजरीन, एक इंतहाई दिलचस्प बात ये भी है, बरतानिया के तमाम पासपोर्ट मलका एलिजाबेथ के नाम पर जारी किए जाते हैं, लिहाजा तमाम पासपोर्ट मलका के ही होते हैं और मलका को किसी भी और मुल्क में सफर करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। मलका को किसी भी मुल्क बगैर पासपोर्ट के सफर करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। ताहम बरतानिया के शाही खानदान के दूसरे ताद के लिए कानून के मुताबिक अभी भी पासपोर्ट जरूरी करार दिया गया है। इन शाही अफराद में प्रिंस फिलिप और प्रिंस चार्ल्स भी शामिल हैं, जिनके लिए पासपोर्ट का बनाना जरूरी है। नंबर तीन पे जो अहम बात है वो है बर्थडे के बारे में। नाजरीन, बरतानिया की मलका एलिजाबेथ हर साल में एक की बजाय दो बार अपनी सालगिरह मनाती है। एक सालगिरह 21 अप्रैल को जो की उनकी पैदाइश का दिन है मनाती है और दूसरी सालगिरह वो अपनी मलका बनने की खुशी में भी मनाती हैं और ये दूसरा जश्न हर साल जून के दूसरे हफ्ते में मुनाकिद किया जाता है। नंबर चार पे जो बात है वो भी इंतहाई हैरान कन है कि वो तमाम जानवरों की मालिक भी हैं। नाजरीन, आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि बरतानिया की मलका बहुत सारे जानवरों की मालिक होने के साथ साथ जानवरों से खसूसी लगाव भी रखती है। मलका बरतानिया को कुत्तों की एक इंतहाई बेहतरीन नस्ल इससे बहुत ही मोहब्बत है। वो बरतानिया में मौजूद बहुत सारे जानवरों की कानूनी तौर पर भी मालिक हैं। दरियाओं में मौजूद हंसों की मलका होने के साथ साथ समुद्रों में मौजूद मुख्तलिफ जानवर जैसे कि डॉल्फिन और वहेल मछलियों वगैरह, इन सब की भी वो वाहिद हुक्मरान है। नंबर पाँच पे जो इंतहाई दिलचस्प बात है वो ये है की वो प्राइवेट ATM मशीन भी रखती है। नाजरीन, मलका को जब नकद रकम की जरूरत पड़े तो वो अपनी जाती ATM मशीन से भी पैसे निकाल सकती हैं। मलका की ये जाती ATM मशीन उनके महल की बेसमेंट में नसब की गई है। नंबर छह पे है नॉट ए टैक्स प्लेयर। नाजरीन, बरतानिया की मलका को कानूनी तौर पर टैक्स अदा करने की जरूरत नहीं बल्कि उनको मुकम्मल तौर पर टैक्स से इस्तेसना हासिल है। ताहम मलका ने टैक्स से मुकम्मल छूट होने के बावजूद एक अहम मिसाल कायम की और उन्होंने रजाकाराना तौर पर
پر سن 1992 سے اپنی ہی حکومت کو ٹیکس ادا کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 7 پہ جو اہم بات ہے وہ ہے نیور بی اریسٹڈ۔ ناظرین، ملکہ برطانیہ کو قانونی طور پر کبھی بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ برطانیہ کے شاہی خاندان کے تمام افراد کو قانونی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی کسی بھی معلومات کو اپنے آپ تک محدود رکھ سکتے ہیں۔ ان سے ان کی عوام کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ نمبر 8 پہ جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ پوائنٹ۔ ناظرین، برطانیہ کی ملکہ شعر و شاعری میں بھی کافی دلچسپی رکھتی ہیں۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے ملکہ برطانیہ کے لیے ایک ذاتی شاعر رکھا جاتا ہے، اور برطانیہ میں یہ ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے، اور شاعر کی یہ اعزازی حیثیت ساری زندگی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ایک مقررہ وقت کے لیے ہوتی ہے۔ سن 2009 سے 2019 اعزاز برطانیہ میں ایک شاعر کیرول کو دیا گیا تھا، جبکہ اب سن 2020 سے اگلے 10 سالوں کے لیے یہ اعزاز سائمن نامی شاعر کو دیا گیا ہے۔ ناظرین، نمبر 9 پہ ہے کوئین آف آسٹریلیا۔ ناظرین، ملکہ برطانیہ الزبتھ صرف برطانیہ کی ہی نہیں بلکہ سن 1953 میں رائل سٹائلز اینڈ ٹائٹلز ایکٹ کے نفاذ کے بعد سے وہ آسٹریلیا کی بھی ملکہ بن گئی ہیں، اور نہایت دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ آسٹریلیا کی پوری حکومت کو 1 سیکنڈ کے اندر برطرف کر سکتی ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم مقرر کرنے کا اختیار گورنر جنرل کو دیا گیا ہے، لیکن ملکہ کو کسی بھی وقت نیا وزیر اعظم مقرر کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ ملکہ کسی بھی وقت نیا گورنر جنرل بھی مقرر کر سکتی ہیں۔ اچھا، تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، اور ہمارے چینل اناہیم ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔